हेलो एंड वेलकम टू आर्ट फिल्मवर्क्स। आई एम अमर राव एंड आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक सीरीज के 8th ट्यूटोरियल, जिसमें हम बात करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स की। ओके गाइस, तो एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके सो गाइस, बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर जो होती है वो एक इनविजिबल लेयर होती है जो हमें विजिबल नहीं होती है जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो। बट एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी, जितनी भी लेयर ऑर्डर में होंगी, वो सारी लेयर अफेक्ट होंगी हमारे एडजस्टमेंट लेयर से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो फुटेज है और इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे। सो चलते हैं लेयर पे, न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर। आप इसके शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे इसके सामने जब आप जाएंगे तो इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल ऑल्ट वाई है। सो आप यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो गाइस, देखा आपने कि जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर जब हमारे प्रोजेक्ट पैनल पे आई तो अभी हमें कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज एक इनविजिबल लेयर होती है जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। बट इसके ऊपर अगर हम कोई इफेक्ट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर कलर करेक्शन में कर्व यूज़ करते हैं एंड इसे हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे जो हमारी लेयर है उस पर इफेक्ट कर रहा है ये कर्व एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जो हमने इफेक्ट लगाया है। सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी इफेक्ट करेंगी एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू। जो हम भी इफेक्ट्स हम एडजस्टमेंट लेयर पे लगाएंगे, इसके ऊपर हम और भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर एक ल्यूमेट्री कलर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम बेसिक कलर चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, या आप जो भी अपने अकॉर्डिंगली जो भी इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो वो सारे इफेक्ट्स इस लेयर के ऊपर आप लगाएं और वो सारे इफेक्ट जो है वो इफेक्ट करेंगे इसके नीचे लेयर पे। सो बेसिक ये जो फंडा है एडजस्टमेंट लेयर का वो इस तरीके से वर्क करता है। एंड इसके क्या यूजेस हैं, अब हम यूजेस की तरफ चलते हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं और आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके एंड एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि गाइज, जो लेयर्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे ओपन करते हैं और ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी, जो और लेयर्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। तो आप इसके थ्रू इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इसे एनिमेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो जो हमारा इफेक्ट्स था जो अप्लाई किया हुआ था वो लेयर जो मूव कर रही है आप देख पा रहे हैं, और इसे हम स्केल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे वो जो एडजस्टमेंट लेयर है वो जो उस पर जो इफेक्ट है वो रोटेट हो रहा है। एंड इसकी ओपेसिटी के साथ भी प्ले कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हम इसे ज़ीरो करते हैं तो आप देखेंगे जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो गया है एकदम। तो गाइज, इसमें सारे बेनिफिट्स हैं हमारे एंड इसको हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने एक सीन सेटअप किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं मल्टीपल वीडियोज़ हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ पर मैं एक पर्टिकुलर टोन अप्लाई करूँ। सो मैं यहाँ से लेयर चूज़ करूँगा, अप्लाई एंड एडजस्टमेंट लेयर। एंड गाइज, इसके ऊपर हम टिंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे, सो कलर करेक्शन एंड टिंट। तो आप देखेंगे जो ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं, एंड जो मैप टू है मैं इसे थोड़ा सा ब्लूइश टोन देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी इफेक्ट्स आप लगाना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताना जा रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे जो सारे वीडियोज़ हैं एक कलर में हो गए हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि जो मल्टीपल वीडियोज़ हैं इसमें से मैं आइसोलेट करूँ किसी वीडियो को। सपोज़ मुझे सारे वीडियोज़ ब्लैक एंड वाइट, सॉरी, इस कलर में नहीं चाहिए, तो मैं एक मास्क यहाँ से लूँगा एंड आप देखेंगे जस्ट मैं इसके ऊपर मास्क अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे जो जिस पर मैं मास्क अप्लाई कर रहा हूँ खाली वो वाला वीडियो जो है वो कलर पर कन्वर्ट हो रहा है एंड जो बाकी वीडियोज़ हैं वो एज इट इज़ हैं। तो एक ये बेनिफिट है कि हम इस लेयर पे मास्क भी यूज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर पे, एंड इसके थ्रू हम इस तरीके से इफेक्ट्स बना सकते हैं। लाइक आप सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हैं या आप कोई इफेक्ट्स इस टाइप के बनाना चाह रहे हैं जिसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो एक बेनिफिट है इसका, बहुत अच्छा बेनिफिट है। एंड आप इसके थ्रू अगर आप चाहते हैं इस पर कोई बीच में मास्क ड्रॉ करना, तो आप अगेन एक मास्क लेके इसके बीच पे आप ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है ये भी ब्लू हो गया है। एंड आप इसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से जो मास्क की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला मास्क है हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ हमारा जो फर्स्ट वाला मास्क था वो एज इट इज़ है और बाकी सारा वीडियो ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से आप इसके बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला लेयर एनिमेट करने, तो आप इस पर डबल क्लिक करें एंड इसको आप एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से जैसे आप सॉन्ग्स में और बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है एडजस्टमेंट लेयर का। ओके गाइस, तो ये था प्रोसेस एडजस्टमेंट लेयर का, यूजेस, एंड आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप एंड में बताना चाहूँगा कि गाइस, जो रेंडर टाइम है वो अगर आप एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करेंगे तो बहुत फास्ट होता है, और अगर आप एक एक लेयर पे यूज़ करेंगे इफेक्ट को तो वो बहुत स्लो डाउन होता है। क्योंकि जब आप रेंडर करते हैं किसी चीज़ को तो जो जितनी बार भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं उतने इफेक्ट्स होते हैं, वो उसको उतनी बार कैलकुलेट करता है और उसे बहुत टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। एंड अगर आप
एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ कर रहे हैं तो वो उस इफेक्ट्स को एक ही बार कैलकुलेट करेगा एंड फास्ट रेंडर करेगा. सो गाइज, एडजस्टमेंट लेयर इसलिए यूजफुल होती है. एंड गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज हैं आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, कंपोजिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड, सो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैंशन कर सकते हैं एंड मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी है amar@artfilmworks.net. एंड इफ यू लाइक माई ट्यूटोरियल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विजिट माई वेबसाइट amarartfilmworks.com फॉर मोर आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई एम अमर राव. वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम.